हमारे संगठनों से। और अब मैं आपकी इंतजार की घड़ियों को समाप्त करते हुए अपने इन शब्दों से बुलाना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय को कि आज मैंने सूर्य देव पर जरा सा यूं कहा, आपके समाज में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमाकर वह तारा, मैं अकेला क्या करूं, इन सभी के लिए मैं ही बना कब तक मरूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये गणगौर है, कुछ मैं लड़ू कुछ तुम लड़ो। अध्यक्ष कोठारा जी, सीडीओ का डीओ साहिबान, सभी तमाम मौजूदा शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, सेवानिवृत्त अधिकारीगण, प्रधानाध्यापक साहिबान और तमाम इस मंच के ऊपर विराजमान, सामने विराजमान सभी सम्मानित गुरुजन, पता नहीं कैसे मुझे इतना बड़ा क्रेडिट मिल गया। मैं तो ये क्रेडिट पूरा का पूरा आपकी दूरगामी सोच, आपकी मेहनत, आपके प्रदेशाध्यक्ष की और कार्यकारिणी की पूरी अनुशासित और संजीदगी के साथ में सरकार तक बात रखने को और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को देता हूं कि पूरी कड़ी ने मिलकर के एक शिक्षा जगत में अच्छा काम करने का जो काम किया उसमें मैं भी एक व्यक्ति खड़ा था और जाने अनजाने मुझे भी इसे श्रेय मिला, तो मैं आप सबको इस प्रयास के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और मंच से मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूरी तरीके से आपको समझा। आपके इस बंदे में दम तो है, देखिए अपनी बात सजीवगी के साथ में, अनुशासन के साथ में, तर्क के साथ में अगर कोई व्यक्ति कहता है तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस धरती पे, मेरा यह मानना है कि वो उसको सुने। पहले जो पत्रावली चल रही थी आप सबको पता है ट्रेड में साथ ही चल रही थी, फिर जब मुझे बताया गया साहब इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी तो मैंने कहा भाई क्या आएगी समझाओ, तो फिर उन्होंने कहा साहब इस तरीके से दिक्कत आएगी, ये केडर मर जाएगा, ये हो जाएगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र के भी कुछ प्रधानाध्यापक आए, मैंने उनके नाराजगी भी प्रकट की, आप बड़ी दिन उससे पहले मेरे को मैं अकेला थोड़ी उसका दूस करने वाला विभाग का सब अधिकारी होते सारी होते हैं, खैर समय मिलता कुछ हमने समझा कुछ आपने समझा और उसके बाद में एक अच्छा फैसला निकल करके आया जिससे मैं तमाम वर्ग खुश हुए, इससे बढ़िया खुशी मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। अगर मैं इनसे कोई बात कहूं तो बात यह है कि जब मैं शिक्षा मंत्री बना जिस दिन रात को अनाउंसमेंट हुआ, मुझे पता नहीं मैं सो गया था, रात को 12 बजे बाद में अनाउंसमेंट हुआ, सुबह जब 6 बजे मैं उठा तो जूही मेरे कमरे में सोफे पे बैठ करके मैंने अखबार की तरफ देखा तो महीन अक्षरों में मंत्रिमंडल का किस किस को क्या विभाग दिया हुआ मिला। मेरी उत्सुकता थी हर किसी की होगी, पहली बार मंत्री बना हो तो क्या डिपार्टमेंट मिला, मैंने मेरा चश्मा उठाया क्योंकि महीन अक्षर थे मुझे दिख नहीं रहा था। इतने में मेरी धर्मपत्नी जो टीचर है उसका फोन आया, मेरे असमंजस हुआ कि मैं फोन पहले उठाऊं विभाग पहले देखूं, तो मैंने एक हाथ से फोन
को चालू किया, एक हाथ से चश्मा लगा, एक साथ उसकी आवाज आई कि आप ना कोई भी बाद में हूं जरूरी थोड़ी हो। मन तो सागरी मास्टर ने टेलीफोन कर दिया कि अब तो मारो नाम हो जैसे। और उसके साथ मेरी नजर पड़ी कि शिक्षा विभाग स्वतंत्र प्रभार को ले दिया, मेरे आंखों में उसी के आंसू थे, खुशी के आंसू इसलिए थे कि मेरे पिताजी स्वयं शिक्षक थे। 2014 में इस दुनिया से चले गए, मुझे लगा कि मेरे पिताजी अगर शिक्षक नहीं होते, मुझे शिक्षित नहीं करते, यहां तक नहीं भेजते तो इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। लेकिन शिक्षा, शिक्षक के बेटे को शिक्षा मंत्री बनने का अगर मौका मिलता है तो उससे बड़ा सौभाग्य होता है। और मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं कभी लाल लपट की बात नहीं करता। कई लोग मुझे ये भी कहते हैं आप गुस्सा करते हो, आप ऐसे कह देते हो, धमका देते हो, कहते हैं, मैं कभी दिल से कड़वाहट नहीं रखता। मैं ये कहता हूं कि मैं एक शिक्षक के घर में पला बढ़ा, फिर जब शादी हुई तब भी शिक्षिका, मेरी बहन शिक्षक, मेरा परिवार, मेरे भांजे भांजी भांजे की बहुएं, मतलब मेरे एसर से मेरी मदर को छोड़कर के मेरे दो बेटे और बहू जरूर एक आरएस हैं, दोनों लोग अपना काम करते हैं इंजीनियरिंग के में, बाकी सब शिक्षा बात करते हैं। तो इस माहौल में मैं बड़ा हुआ और मेरे पिताजी खुद प्रधानाध्यापक के घर से आए हैं। मुझे बात ये लगा कि अंतिम गड़बड़ नहीं हो जाए, अपने को इस काम को दोबारा देखना चाहिए और हमने अच्छी तरीके से देखा। मैंने कभी भी जिद्दी नहीं की ऐसा हो जाए, मेरी बात का सवाल है, कोई बात का सवाल नहीं है। आप सब राजी हो तो हमारा काम ठीक है, आप बोर नहीं लगाओगे तो मैं किसी दो व्यक्ति को राजी कर करके कोई बड़ा आदमी नहीं बनना। तो मैंने समझा कि इसको कैसे ठीक किया जाए, सीएम से बात की, फाइनेंस वालों से बात की, सबसे चर्चा की, फिर उनको कहा दोनों यूनियनों को समझाओ, फिर दोबारा कैबिनेट में रखने से पहले सीएम ने कहा दोनों सड़कों से बात करो, आपसे भी मैंने बात की, उनसे भी बात की, आपने कहा आप सबको अच्छा मंजूर है, तब हम लोग आगे बढ़े। अगर आपने सिर्फ एक भी व्यक्ति एक कहता कि ठीक नहीं है तो गोविंद सिंह डोगरा सर वो काम नहीं करता। कोई सुसार है तो मैं इस पद पर रहना हूं, राजनीति में लोग आते हैं जाते हैं, पद मिलता है। मुझे एक दिन कहने लगे मुख्यमंत्री जी, मैंने कहा साहब शेख का वाटी जाट और मास्टर और फिर मेरे को शिक्षा मंत्री, क्या आपने मतलब मेरे में प्रेम उमड़ा है या नाराजगी हो गई? तो उन्होंने कहा भैया हर व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति यह कहता है कि शिक्षा मंत्रालय बन देना। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 2.5 साल में तूने मुझे ये कभी नहीं कहा कि आपने मुझे शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बनाया, इशारों में ये जरूर कहा कि क्या बात है। तो कि सही मायने में या तो मुख्यमंत्री को सब लोग प्रदेश में जानते हैं या शिक्षा मंत्री। और मुझे जब बेहद खुशी हुई जब मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि 2.5 साल में एक दिन भी मुझे एक सेकंड के लिए यह ख्याल नहीं आया जो मेरे दो पिछले कार्यकाल में हमेशा मेरे दिमाग में आरे दिन चलते रहते थे शिक्षा मंत्री के और शिक्षा विभाग के, एक दिन भी यह नहीं आया कि शिक्षा विभाग के मंत्री को बुला करके बात हुई क्या बात। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने आप अपने विभाग के जितने भी नवाचार जितने भी काम किए हैं मैंने खुद ने आगे बढ़कर के इनिशिएटिव लेकर के किया है, किसी ने मुझे नहीं कहा।
हमारा समय बदल दो, प्रशिक्षण का रात का समय बदल दो, नो बैग दे कर दो, बस्ते का बोझ कम कर दो, इंग्लिश स्कूलें खोल दो। मैं भाई ऑब्वियसली कह रहा हूं, किसी ने नहीं कहा, हाँ ये जरूर है इंग्लिश मीडियम का कॉन्सेप्ट वो हमारे वर्ष की रणवीर है वो लेके आया था। मैंने कहा यार ये हो रहा है, मैं सोच रहा था कि जो भी मांगे उसको अंग्रेजी मीडियम कर दो, लेकिन ये महात्मा गांधी जी सिक्के नाम वाला चीज है ये मुझे भी अच्छी लगी। हम लोग आगे बढ़े और आज मुझे खुशी है कि इंग्लिश मीडियम का हमारा पूरे हिन्दुस्तान में क्रेज है। कल आपने देखा होगा कि आईएएस आरएसजेएस बड़े बड़े अधिकारी इंजीनियर चीफ इंजीनियर आईआरएस सब लोग सिफारिश कर रहे हैं कि साहब हमारा भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा। मुझे किसी ने नहीं कहा कि 40-50-60 लोग शिक्षक सम्मानित होते हैं, इसका दायरा बढ़ा दो। मैं जब पाठ्य पुस्तक मंडल के जीसी की बैठक में गया तो पता लगा यहां एमडीआ करवा रहे हैं। मैंने कहा एमडी ये सरकार से बड़ी एमडी तो वो लोग कराते हैं जिनको आगे के भविष्य पे विश्वास नहीं होता, अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता कि कल को कुछ भी नहीं करेंगे, बच्चा कुछ भी नहीं करेगा तो ब्याज से कमा के खा लेगा, ये सरकार की सोच नहीं हो सकती। और हमने आपके 1100 लोगों को सम्मानित करने का कहा, कहने का मतलब यही है कि देखिए सरकार सबके सहयोग से बनती है, एक व्यक्ति में किसी में ताकत नहीं है, एक वर्ग में किसी में ताकत नहीं है तो सरकार बना देता है, लेकिन एक वर्ग सरकार बिगाड़ जरूर देता है कोई भी वर्ग। इसलिए सरकार में सबके सहयोग से आते हैं, लेकिन फिर प्रयास ये रहना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति नाखुश नहीं रहे और लोकप्रिय सरकार की यही परिभाषा होती है। तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम लोकप्रिय सरकार दें और सबकी सुन करके सबके हित में फैसले करें। अभी सेकंड ग्रेड वाले भी कुछ आए थे, वो भी कह रहे थे सर थोड़ी सी हमारी जो दिक्कत होगी वो होगी। मैंने कहा सारी दिक्कतें दूर कर दूंगा, लेकिन क्वालिटी की एजुकेशन के साथ समझौता आप 1 वीक सीरीज पढ़ करके और डिग्री का एक्स्ट्रा एक लेकर के और फिर बच्चों के साथ में जो क्वालिटी एजुकेशन के साथ में जो बुखारा गाते होगा उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाकी आपकी जितनी भी बातें बताऊंगा, मेरे खुद के परिवार के 3 लोग हैं जो लगातार नहीं बन पाए, मुझे पता मेरी स्वयं की बांटी है जिसके साथ ही मैंने बेटी मान के की है क्योंकि मेरे 2 बेटे ही हैं, बेटी नहीं है, घर का नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये तो फिर हम जो मंत्री बन के शपथ लेते हैं उसका उल्लंघन होगा कि हम जो भी लोग नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, लेकिन हम बच्चों के साथ में किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते, उनके साथ अंतर नहीं कर सकते। मैंने हमेशा एक ही बात रखी, मैं जो कहते हैं साहब वो आपने चुनाव के दौरान ये कह दिया था उस टीचर साहब, मैं आज भी यही कहता हूं कि मैंने कभी किसी संगठन को किसी शिक्षक को मनाई नहीं किया। मैंने पहले तो गार्ड लगते थे जब ट्रांसफर होते थे, पुलिस के गार्ड लगते थे, शिक्षा मंत्री लगते थे ना, और छुट्टी 10-10 दिन तक ट्रांसफर की लाल पेड़ के बाद में गायब होते थे, नहीं होते थे, तो किसी का नाम नहीं लेता चाहे राज कोई सब गोविंद सिंह डोटासरा ने छिपके बैठा न गार्ड लगवाए, 45 दिन का कैद लगता था कि स्कूलों में और पार्टी पुस्तक बाबू को बुलाते थे, बीओ को बुलाते थे, रात को 11 बजे बाद में फोन करके कहते तेरी पालना कर दी है और सेटिंग होती पालना के नाम से सेटिंग होती थी, ऑर्डर 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद में निकलता था, अगला आश्वस्त हो जाता था तेरा यहां होता है। हमने उसको खत्म कर दिया। मैंने तय किया कि मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि मास्क के इतिहास से चाय पीना भी आ सच्ची श्रद्धांजलि आपको कहीं न कहीं तो किसी न किसी स्तर के ऊपर तो मूल्यों को
रखना होगा। और अगर आप मंत्री बन गए उनके भी अगर हम किसी तरह की आपके साथ में चोट करते हैं, गड़बड़ करते हैं या ठगी करते हैं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत काम कोई हो नहीं सकता। इसलिए हमने चेष्टा की कि हम इसमें पारदर्शिता के साथ में करें। ट्रांसफर एक ऐसी समस्या है जिसमें कोई सबराई हो ही नहीं। तो मैंने सबसे पहले यह कहा कि मैं ट्रांसफर पॉलिसी बना के रखूं। जब भी मुझे जब तक मौका मिले तो मैंने 4-6 महीने के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी बना करके आगे ले ली। अब उसके पीछे पड़ूंगा और मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि या तो मुझे शिक्षा मंत्री मत रखो और अगर रखते हो तो ट्रांसफर पॉलिसी लागू करो। ये इतना बड़ा वर्ग है, इतना बड़ा केडर है, 4 लाख से ज्यादा शिक्षा विभाग के कार्मिक है। अगर रोजाना हमारे दरवाजे पे एप्लीकेशन लेके खड़े रहे तो मैं समझता हूं उस टीचर का अपमान होना नहीं होना अलग बात है। कभी आदमी को परेशानी में गुस्सा भी आ जाता है, फिर पीछे से सोचता हूं कि आप बेचारा बच्चों को पढ़ाता है, आया था कोई समस्या से आपने पूछे भी कह दिया था, ये अभी नहीं होगा। लेकिन देखो बात को समझनी पड़ेगी, जो मापदंड हम तय करते हैं उस मापदंड को मानना, मापदंड जो तय करते हैं उसको तो आपको मानना पड़ेगा। रोजाना में वहां खड़ा खड़ा होके टीचरों की लेने लगूंगा तो 4 लाख 18 हजार का केडर है। आप बताइए कितने लोगों के लिए एप्लीकेशन दूंगा, फिर वो दूसरे दिन आएगा, फिर वो तीसरे दिन आएगा। एक बार तो गुस्से गुस्से में मैंने एक फोटो को भी फाड़ दिया, सही कह रहा हूं, मुझे बड़ी तकलीफ हुई बात में। लेकिन मैं वो एप्लीकेशन फोटो को भी 7 बार आ चुका। अब आदमी कितने बार वो हो सकता है अपनी जगह सही हो के यार अगली बार फट जाए काम, अगली बार फट जाए, अगली बार फट जाए, लेकिन फिर इसका एंड नहीं, इसका एंड नहीं। उसकी हो सकता है मजबूरी हो, लेकिन हम भी ऐसा कोई चश्मा नहीं पड़ा कि ये देख के तुम्हें आप जैसे पता लगा ले कि कौन परेशान है, कौन को कहा एडजस्ट करना है, सबको कहा एडजस्ट करना है, ये वो नहीं सकता। इसलिए पॉलिसी जरूरी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि टीचर्स की स्थानांतरण की पॉलिसी को लेकर के हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास। बाकी ये कह रहे हैं अंकल की तिथि हो जाए कुछ थोड़ा बहुत, ये केंद्र सीधी भर्ती का भी खुला रह जाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब प्रमोशन प्रोग्रेस में होते ही फिर उनको हटाने के लिए क्या करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। सब चीजें कल परसों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मैं गया था, मैं 3 मीटिंग के लिए गया, कोई शिक्षा मंत्री 70 साल में 3 बार नहीं गया। वो जो नियमावली है जब कटारिया जी थे तब बनी विषय शिक्षा मंत्री, आपको बताना चाहता हूं वो पूरी कर दी है 10-15 दिन के अंदर आपके सामने आ जाए। और मैंने कहा सभी स्कूलों में भेजो और जो जो चाहते हो उनको सबको दे। एक मैंने ये भी कहा कि सीढ़ीरा भी सबको भी दो। आदमी पढ़ेगा तो नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, क्या निकला है, क्या आदेश निकला है, क्या हुआ हमारी शिक्षा विभाग में, नई चीज क्या हो गई है। कल परसों में गया था तो मुझे जो हितकारी नीति है जो आपके पैसे से बनी है उसमें केंद्र की अनिपटेड लाखों के कर्मचारी को मिलते हैं। कोरोना काल में जो ड्यूटी पे थे उनको 50 लाख रुपए मिलते, लेकिन ड्यूटी अगर नहीं है तो उसको फिर वो जो सामान्य है वो ही पैकेज मिलेगा, उसका पेंशन का या जो भी, वो 1.5 लाख रुपए हितकारी निधि से बनते हैं। मैंने पूछा कितने रुपए, बोले साहब 20-1 करोड़ में। मैंने कहा इसमें से 150-200 कुछ टीचर थे आर्मी थे, मैंने कहा 1.5 से 3 करोड़ है एसओडी है उसका। वो बोले साहब तो डायरेक्ट साफ कर सकते हैं। मैंने शिक्षा मंत्री बड़ा डायरेक्ट
डायरेक्टली कर सकता, शिक्षा मंत्री नहीं कर सकता, तो आज कानून बदल दो कि शिक्षा मंत्री कहेगा वो लागू तो डेट की हमने डील कर दी है जिसके साथ चेक जल्दी बन जाए। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं 323 एक साथ की और भी कहीं कोई दिक्कत आएगी तो वो ठीक कर ले, हमारे हाथ में। हम किसी अनजान व्यक्ति को कोई मत नहीं दे रहे, जो हकदार है उसी को तो मत दे रहे हैं। रेलवे डीपीसी की आवश्यकता पड़ी वो कर ले, और कोई बात होगी वो कर ले। आपका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा तो आपको बड़ा आदमी और भी बढ़ा देंगे। रहोगे तो मेरा यह मानना है कि उन बच्चों को ज्यादा देख पाओगे। शिक्षा विभाग में कौन सी इनसे पोस्टिंग होती है किसी बात में नहीं, और मैंने पहली बार सीएम सर से बात करके और सब विभागों में लागू करवाई, अभी तक सब में नहीं कर रहे, फिर भी नहीं कर रहे उसकी बात, लेकिन हमारा विभाग हमने परियोजना का ऑप्शन दिया, हमने कैटेगरी भी बनाई, एकल महिला, विधवा, फौजी, विकलांग, कैंसर पीड़ित, पति पत्नी, मतलब कैटेगरी बनाने की चेष्टा की, और उसके बाद में परिवेदना का ऑप्शन भी रखा। जो लोग वास्तव में कहते हैं साहब हमारी ये समस्या है, या मान लीजिए कि पॉलिटिकली कोई भी आती है तो हम लोग उसमें भी गुंजाइश रखते हैं, रैली भी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि सब चीजें समय आने के ऊपर, जो जो प्रॉब्लम्स आती है उसकी समस्या का समाधान होता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं जब तक मैं हूं मेरे दरवाजे शिक्षक के लिए, शिक्षा मंत्री नहीं मानते हुए एक शिक्षक का बेटा मानते हुए आप कभी भी आ सकते हैं। शिक्षक संगठन अगर वार्ता करना चाहता है तो उसको समय देना चाहिए, इससे आदमी जब समय मिले तब देख करके बात करे। एक गिरदावली वाली बात भी मैंने की है, आप लोगों को तो फायदा ही हो जाएगा, जो फालतू के पर्चे सभा सभा के लाते हैं ना उनकी, उनको फिर उनसे रोकना चाहिए। वो उस दिन का गुस्सा यही तो था, फोटो कॉपी की, उस फोटो कॉपी में से एक भी नाम जो गहरा नाम थे उसमें से एक पदाधिकारी नहीं था। वो 11 बज रहे थे, मुझे जिला परिषद की मीटिंग में जाना है वार्ता पर, मैं समझा नहीं ये वार्ता होती क्या, आप बताओ। रात को 11 बजे आपको आकर के कोई शिक्षक कहे कि हेडमास्टर साहब आपके प्रधानाध्यापक को आपके स्कूल में आपको प्रॉब्लम है, हम आपसे वार्ता करेंगे, तो आप यही तो कहोगे कि कल सुबह में स्कूल में आ रहा हूं, शाला समय में आप बैठ करके कर लेंगे, खेल घंटी में कर लेंगे, क्या नहीं रात नहीं जाना। तो बात यही थी, इसके अलावा कोई ये नहीं है कि भाई शिक्षक का आप लोग सम्मान नहीं करते, शिक्षक आ नहीं करते। लोगों ने कहा साहब पट्टी मार जाओ, तो भाई इस जीवन में तो लोटासरा से पलटी नहीं मारी जाएगी, इसमें आक्रोश हो जाएगा क्यों, अगर सही करता करता है आक्रोश उसी को भी देना, गलत बात मैं करता नहीं, ऐसा मान किसी का करता नहीं, होने वाला बात काम मैं करता हूं। अभी वो सेकंड ग्रेड वाले कह रहे थे कि साहब हम दूसरे जोन से आते हैं तो हमारा वो खत्म कर दो, वो वरिष्ठ विरोध वाला एक शब्द खत्म कर दो। मैं कितने तैयार हो गए, वो एक साथ मुझे तैयार है, वो चोरू वाले ने वार्ड में ट्रांसफर कर रखो, राज बनते ही स्टेट केटर बन गई, आपको स्टेट की तरह जाना पड़ेगा। बोले मैं कहा विचार कर रहा हूं, मैं लेकिन आज की कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओगे तो हम कर देंगे, कहा दिक्कत आ रही है, लेकिन जब तक किसी भी वर्ग की स्टेट केडर की मेरे
नहीं बनेगी तब तक आप उसको, अगर वो अपना जोन चेंज करता है या किला चेंज करता है तो उसको विरोध नहीं कर सकते। अगर आप सेकंड ग्रेड को देंगे तो फिर थर्ड ग्रेड वाले कहेंगे बाढ़ ग्रेड वाला सीकर में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, उसको भी आप दे दो तो फिर वहां रहेगा कौन? फिर लोग कोर्ट में चले जाएंगे कि साहब 40% वाला आदमी 80% के बराबर आ रहा है। ये प्रॉब्लम है, टेक्निकली प्रॉब्लम है, लीगली प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई सोच लो, किक लगवाने के लिए तैयार हो तो तैयार है, क्योंकि किक मैं नहीं लगाऊंगा और लगा देता तो तीसरा लगा। आज आप में से कोई कह सकता है कि हम बाढ़ में नहीं जाएंगे? नहीं कह सकता। तो यही तो बात है, तो दोनों काम एक साथ किए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम विचार करेंगे। मैं कहा जाना जब तक मैं हूं खुले दरवाजे तब बढ़िया है, तब आ जाना। तो मैं दिखता ही कहता हूं आप सब लोगों ने सम्मान दिया, इसके तो पात्र आप सब लोग हो जो एक यूनाइट होकर के अपनी बात प्रमुखता से आपने रखी और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता के साथ में समझा। मैं भी उसके एक कड़ी था और कड़ी होने के नाते आपने मुझे जो सम्मान दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये बात हमेशा सरकार आपके साथ में है, आपकी क्षमताओं का पूरा उपयोग उन बच्चों को मिले, आपका ज्ञान सब आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उसको मिले, आपके जो अच्छे रचनात्मक सुझाव शिक्षा विभाग के लिए या सामाजिक सरोकार के लिए हैं उनका लाभ हम सबको, हमारे प्रदेश के लोगों को मिले, ये कामना करता हुआ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कोरोना काल होते हुए भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पधारे, आपने सम्मान दिया। मैं तो इतना ही कहता हूं मुख्यमंत्री जी और मेरी जब भी चर्चा होती है तो हमेशा एक ही बात निकल करके आती है कि अगर शिक्षा चिकित्सा दो महीने मजबूती से अगर लोगों की सेवा कर देंगे तो सही मायने में जो लोकप्रिय सरकार का जो पैमाना है वो ये दो डिपार्टमेंट प्रमुख होते हैं जिसके माध्यम से हम समाज को कुछ दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य दे सकते हैं इससे बड़ी उसके लिए कोई पूंजी नहीं। अगर हम किसी के बेटे को शिक्षा दे सकते हैं तो उसके लिए, उस माँ बाप के लिए, उस देश के लिए, उस प्रदेश के लिए कोई इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहता है, शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से बाकी सब चीजें आ जाएंगी, धन दौलत सड़क जो भी गाड़ी घोड़े बंगले सब आ जाएंगे। ये दो ही नहीं है तो फिर कुछ भी आ जाओ, आप बीमार हो रोटी सामने पड़ी है क्या काम की होगी? उसमें आप बैठ नहीं सकते, बैठोगे तो आप अस्वस्थ हो जाओगे। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें आपके कंधों के ऊपर अच्छी शिक्षा देने का दायित्व प्रदेश में है। ये बहुत ही सम्मानीय कैडर है, प्रधानाध्यापक का सम्मानीय कैडर है। लाइफ चली थी तो हमारे अधिकारियों सारे नाराज हो गए। मैंने कहा इनकी क्या तकलीफ होगी, ये तो डी उदय बढ़ गए। बोले मैं तो हेडमास्टर से ही तो बढ़िया ना इसलिए जब प्रधानाध्यापक ज्ञापन देने आते हैं तो कोई कोई डीओ जेडी एडी सब आते वो पहली मेरू बढ़िया तो सूरज ही बोलता मैं भी बाद में सोचे जब डीओ आया था तो कहने ज्ञापन देता जरा मैं कोई कही थी बोले था पिताजी भी एडवांस भी आपका जब कहते ज्ञान ग्रह नहीं हो तो मास्क 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 को बैठो सब मास्क रही थर्ड ग्रेड से लेकर थर्ड तक एक टीचर को भावो ये को थोड़ा सा दुख के साथ जागे हो एडवांस का हो क्या आप सब ने सम्मान दिया शिक्षा मंत्री से अगर जंगल आवाज प्रकट करने जाए माननीय प्रदेश